हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, कुछ काम करने वाली हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल परमानेंट ही पौधे पर मैं काम कर रही हूँ। और चलिए सब पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये रेनिकुलस का पौधा, ये देखें। और इसमें एक साथ कई कलियाँ निकल के आई हैं, साइड में भी आप देख सकते हैं। अब इसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो आज मैं बात कर रही हूँ बोगनवेलिया के पौधे पर। तो देखें, आज मैं ये देखें, ये बोगनवेलिया के मेरे पास चार पांच पौधे हैं। और सभी के जो भी पौधे हैं सभी के कलर अलग अलग हैं। ये ऑरेंज वाला है, ये आप सभी के साथ मैं कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ, शॉर्ट में भी वीडियो डाली हूँ। और ये जो है ये वाइट वाला है, ये लगभग मेरे पास अभी एक साल अभी से तो नहीं हुआ है। ये लास्ट में मैं सितंबर महीने में इसे ख़रीदी थी। और इसके देखिए ब्रूनिंग मैं कर दी हूँ, जो कटाई छटाई ब्रूनिंग बोलते हैं वो मैं कर दी हूँ। तो अभी तक फ़िलहाल मैं दो पौधे में इसी तरह से कर दी थी, एक इसमें और एक ये ऑरेंज वाले में। बाकी अभी मेरे पास तीन पौधे हैं, एक ये वाला है और एक ये है और एक ये है। तो इन तीनों में अभी मैं कुछ नहीं की हूँ। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये पौधा बिल्कुल सूखा हुआ मालूम पड़ रहा है, ना तो इसमें एक भी पत्ती है। सिर्फ देखें ये पत्ती है और वो भी ख़राब है, बिल्कुल फंगस लगी है, कहीं से भी इसकी ग्रोथ शुरुआत नहीं हुई। मैं इसमें ऐसा खाद डालूंगी जो बहुत जल्दी ग्रोथ भी करेगा और साथ में ये पौधा हरा भरा भी हो जाएगा। तो ये तीन पौधे में मुझे प्रूनिंग करनी है, इसमें भी करनी है। इसमें तो पत्तियाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी हैं देखिए, और इस वाले में तो ग्रोथ भी ये देखिए यहाँ पर होने भी लगी है। ये शायद रेड कलर का है, बिल्कुल आप वहाँ पर देख सकते हैं थोड़े फूल निकल रहे हैं। और जो ये वाला है इसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें जो पुरानी पत्तियाँ हैं ये भी देखिए ख़राब हो गई है, बिल्कुल फंगस लग गई है इसमें। और इस वाले में भी कर लेती हूँ, कट करने के बाद गुड़ाई करती हूँ और उसके बाद में कौन सा खाद मैं देती हूँ ये आपके साथ मैं शेयर बताऊँगी। देखिए ये वाला मैं कट कर दी हूँ और कई जगह पर इस तरह से जो ब्रांचें निकली हैं, तो इसमें जब फूल आएगा तो आपको बिल्कुल ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे कि बोनसाई प्लांट बनाते हैं। तो आप चाहिए तो आपको बोनसाई भी बनाना है तो अभी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप जिस तरह से इसकी कटिंग करेंगे उसी तरह से ये आकार अपना ले लेगा, इसमें कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैं इसी तरह से छोड़ देती हूँ। और ये देखिए ये जो इस तरह से हो जाते हैं ना पौधे, ये रेड कलर का, ये एक सूखने वाला, मतलब जैसे कि पौधा सूखने के टाइम पर जब आता है तो ये इस तरह से हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और वो ब्रांचें बिल्कुल भी ख़राब होने लगती हैं। लेकिन यहाँ से सूख रहा है आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो ये ब्रांच निकली है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नई नई पत्तियाँ निकल आई हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, इसका भी कारण दोस्तों यही है कि इसमें जो ये प्लास्टिक के गमले में लगा है और ये इसकी मिट्टी जल्दी सूख नहीं पाती है, इस वजह से ये ऐसी समस्या इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा घना भी हो गया है, बड़ा भी हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास गमला तो है नहीं तो मैं इसी में ही खाद दे दूँगी। और इसे सितंबर अक्टूबर के तरफ में इसे शायद, अगर गमला मेरे पास हो जाएगा मिट्टी का तो मैं रिपोर्ट करूँगी। लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि इसे सिर्फ मिट्टी के गमले में लगाइए, बिल्कुल वेल्ड्रन सॉइल हो और मिट्टी का ही गमला हो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो चलिए अब इसकी भी मैं कटाई छटाई कर लेती हूँ इस वाले की, फिर मैं खाद बताती हूँ। ये मैं गुड़ाई दोस्तों कर ली हूँ, ये यहाँ पर हो गया है और एक इसकी अभी रह गई है और इस वाले की भी मैं गुड़ाई कर ली हूँ। और इसमें से जो घास फूस थे वो सभी हटा दी हूँ, सिर्फ इस तरह की सूखी सूखी पत्तियाँ पड़ी हैं तो ये रहने देती हूँ क्योंकि ये खाद का ही काम करती हैं। और अभी इसमें से मैं मिट्टी भी निकाल लूँगी बिल्कुल, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भर जाती है जब हम पौधे लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भर देते हैं ताकि ये पौधा हिले डुले ना, या कभी कहीं इस पर गैप ना रह जाए बीच बीच में, जैसे एयर ना बनने लगे, तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो ही जाती है और जब हम खाद देते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है।
तो इस तरह से मैं जब मिट्टी निकालने लगी हूँ दोस्तों, ये देखिए एक ही गमले में निकाली हूँ, कितनी ज़्यादा मिट्टी है, बिल्कुल वेरेन मिट्टी है, देख सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल आई है कि लगभग मैं उससे दो पौधे तक लगा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा और अच्छी मिट्टी बन गई है, जो हम खाद देते हैं उससे भी मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, अगर ऑर्गेनिक खाद देते हैं तो। और केमिकल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो भुरभुरी होती है वो भी हार्ड मिट्टी बन जाती है। तो देखिए जड़ दिखने लगा है, यहाँ पर से मैं छोड़ देती हूँ, इसे थोड़ा हवा लग जाने देती हूँ। और देखिए ये वर्मी कंपोस्ट मैं ले ली हूँ, ये मैं बोगनवेला के पौधे में डालने के लिए, और साथ में राख बहुत ज़रूरी है, अगर राख हो राख दीजिए, फंगीसाइड कोई पाउडर हो वो दीजिए, या आप हल्दी देते हैं तो आप हल्दी भी दे सकते हैं। मैं राख खरीदती हूँ, मुझे मेरे पास ये ज़्यादातर रहते ही हैं। और उसके बाद मैं दे रही हूँ, देखिए ये एप्सम सॉल्ट है, साथ में मैं ये भी दे रही हूँ दो मुट्ठी के भर। खाद लगभग दोस्तों वही है जो सभी पौधे में हम देते हैं, पर इसमें मैं एक चीज़ अलग दूँगी, एक खाद कुछ अलग है वो दूँगी, वो बिल्कुल फ्री का है, जो हमारे किचन गार्डन में किचन में तो रहता ही रहता है और हम उसे खाते भी हैं। और उसके साथ मैं दे रही हूँ, ये देखिए ये सीवीड चाइम है, सूखे फॉर्म में, इस तरह दानेदार फॉर्म में आता है और लिक्विड में भी आता है। दूसरा ये देखिए ये है चाय पत्ती, ये चाय पत्ती भी मैं दे रही हूँ जिस पर, क्योंकि बोगनवेला के पौधे को चाय पत्ती एसिडिक सॉइल काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और उसके साथ मैं दे रही हूँ नीम खली पाउडर, जो ये फंगस हटाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करे। अब उसके बाद मैं कौन सा दे रही हूँ, जो मैं खाद बोल रही थी कि एक्स्ट्रा दूंगी, तो वो है ये दोस्तों क्या है, ये है केले का छिलका, जो केले के छिलका का पाउडर होता है वो है, जो मैंने केला के छिलके को सुखा कर और इस तरह से पाउडर फॉर्म में बनाई हूँ। तो साथ में मैं बोगनवेला के पौधे में ये भी दे रही हूँ, क्योंकि केले इस तरह से केले का जो छिलका मैंने कई बार बोगनवेला में दी हूँ, तो उसमें जो केले का छिलका देने से दोस्तों पौधे में पत्ती से ज़्यादा फूल आते हैं, तो जो केले का छिलका है कई बार मैं दी हूँ इस तरह से पिछले गर्मी के टाइम पर, तो मेरे बोगनवेला में आप देखे होंगे फूल की कमी दोस्तों नहीं रही है, और अभी तक फूल मेरे इसमें आते रहे हैं पौधे में, तो इसी वजह से मैं केले का छिलका इसमें ज़रूर दे रही हूँ। तो चलिए अब देती हूँ इस पौधे को, तो देखिए अब मैं इसमें खाद दे देती हूँ सभी में, ये भी मेरे बोगनवेला के पौधे हैं, तीन चार तो है ही हैं, सभी में देकर और पानी दे देती हूँ। बस इसी तरह से आप भी अपने गार्डन का काम कीजिए और अपने पौधों को हरा भरा कीजिए। तो चलिए इसमें भी मैं दे ही देती हूँ और मिलती हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में कोई।